नमस्कार बच्चों, आज हिंदी की क्लास में हम उड़ान का पार्ट नंबर 9 खरगोश की पुस्तक कहानी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं बच्चे, खरगोश, टीचर। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं कहानी। एक था नन्हा खरगोश, उसका नाम था चिंटू। एक दिन सुबह सुबह वह उठा और घूमने निकल पड़ा। रास्ते में उसने बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा। वे नहा धोकर सुंदर कपड़े पहनकर कंधे पर बस्ता टांगे कहीं जा रहे थे। बच्चे एक स्कूल में पहुंचे। टीचर जी क्लास में पढ़ाने आए। नन्हे चिंटू को देखते ही बोले, अरे भाई चिंटू, क्या तुम भी पढ़ोगे? चिंटू ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। टीचर जी ने एक कुर्सी पर चिंटू को बैठाया। टीचर ने उसे रंग बिरंगे चित्रों वाली सुंदर सी पुस्तक दी। चिंटू बड़े मज़े से पुस्तक में बने हाथी, शेर, भालू और लोमड़ी आदि चित्रों को देखता रहा। बच्चों की छुट्टी हुई तो खरगोश फुदकता हुआ घर की ओर चल दिया। जंगल में जाकर नन्हे चिंटू ने रंग बिरंगे चित्रों वाली सुंदर सी पुस्तक सबको दिखाई। हाथी, शेर, भालू, लोमड़ी और मोर सब ने अपने अपने चित्र देखे और सब अपने अपने चित्र देखकर खुशी से उछलने लगे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, पढ़ो और पढ़ाई जीवन में कुछ कर दिखाओ। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।